बुलंदशहर के शिकारपुर नगर की अजान मंडी में किसान सभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन मंडी सचिव को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मंडी में किसानों से की जाने वाली अवैध वसूली बंद की जाए, किसानों की माल की घटलौती बंद की जाए, किसानों के माल से दाने निकालने बंद किए जाएं, मंडी में किसान भवन की साफ सफाई कर बैठने लायक कराया जाए, किसानों के पशुओं को पीने के पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाए। मंडी समिति में शिकारपुर के लिए कृषि उत्पादन बिक्री खरीद के नियम सार्वजनिक रूप से मंडी परिसर में बोर्ड पर लगाकर जगह जगह लगाए जाएं। किसान को माल विक्रय का पक्का बाउचर दिया जाए, बरसों से बर्बाद किसानों की फसल का मुआवजा दिया जाए। ये इस संबंध में दिया गया है कि इस मंडी के अंदर जो मंडी कानून है उसके मुताबिक जो किसान से खर्चा कटना चाहिए उसके आधार पे मंडी नहीं चल रही, पूरी तरह से लूट हो रही है। अनाज के रूप में उनसे एक किलो काटा जाता है लगातार, ये बहुत लंबे समय से इस मंडी में कट रहा है। दूसरे तोल में भी धांधली होती है, तोल में जो 60 किलो के 61 किलो, किसी का 60.5 किलो, जैसा तुक्का लग रहा है उस तरह से मनमानी तरीके से यह तोल चल रही है। तीसरे जो मंडी कानून है उसके मुताबिक सिर्फ किसान को सारे खर्चे लगा दें तो 9 रुपये देने पड़ेंगे केवल, और उसमें अगर किसान अपना माल उतार ले तो 4 रुपये वो भी ख़त्म हो जाए, 5 रुपये रह जाए, उस पर टैक्स छलाई फलाई सारा। तो हमारी मांग ये है कि उस मंडी कानून के मुताबिक किसान का माल इस मंडी में खरीदा जाना चाहिए, और अगर ये नहीं खरीद करते हैं इस तरह से, अगर ये फिर भी यहाँ मनमानी चलती है तो हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी। और अगले चरण के लिए हम आज ही घोषणा कर रहे हैं कि अगले चरण पे हमारा यहाँ अनिश्चितकालीन पड़ाव होगा इसी मंडी में। अब वो कब होगी इनकी कार्रवाई देख के वो हम तय करेंगे, ये या तो इनको तय करनी है, हम ये तय कर चुके हैं कि लड़ाई हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई सरकार के कानून तक पहुंचा करेंगे। जो सरकार यहाँ बैठी है, जो सरकार यहाँ काम कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे बहुत सारे मुद्दों पर बहुत खुल के बोलते हैं, इस किसानों के मुद्दे पे उनको बोलना चाहिए, बात रखनी चाहिए अपने सरकार से, उनसे भी जो बहुत सारे हमारे विपक्ष के भी साथी हैं हम उनसे भी निवेदन करेंगे वो भी किसानों के पास वोट लेने जाएं, कि इस मुद्दे पर उनको बोलना चाहिए, खुल के आवाज अपनी उठानी चाहिए। इसलिए हमारी लड़ाई ये लगातार जारी रहेगी। सभी से अपील करते हैं जो अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, यह मंडी कानून को लागू कराएं और किसानों के साथ वो सब खड़े हों। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।